जानते हैं कि कलर्स टीवी पर सबसे विवादित शो बिग बॉस सीजन 13 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस शो का एक दिन तो निकल चुका है, वहीं दूसरे दिन फिर से लोगों को नजर आए हैं लड़ाई झगड़े। जी हाँ, शो के कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, शो में हर बार की तरह फिर से आपको कोई नई लव स्टोरी देखने को मिल सकती है। बीते एपिसोड में आपने ऐसा देखा था कि कई जगह झगड़े हो चुके हैं तो कई जगह प्यार पनपते हुए नजर आ रहा है। वहीं शो में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला काफी हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पारस छाबड़ा जो कि लोगों को करते आ रहे हैं एंटरटेन। जी हाँ, पारस छाबड़ा की बात करें तो पारस छाबड़ा काफी हाईलाइट होते नजर आ रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शो की कुछ ऐसी अपडेट जिससे शो नया मोड़ ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। यदि बात करें पारस छाबड़ा की तो पारस छाबड़ा का दिल माहिरा शर्मा और सहनाज गिल दोनों पर आते दिख रहा है, जो कि शो को बना रहा है काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन वहीं देखा जाए तो टीवी स्टार की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मि देसाई अपने को स्टार यानी कि हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने खट्टे मीठे रिश्ते पर बात करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसा हो सकता है कि आपको जल्द ही लव ट्रायंगल देखने को मिले। जी हाँ, दरअसल मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो भीतर कॉमेडियन कृष्णा और गोविंदा की भांजी आरती सिंह भी गई हुई हैं और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के बीच घर में आने से पहले ही उनका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह चुका है, जिसकी वजह से लव ट्रायंगल भी नजर आ सकता है। वहीं बीते एपिसोड की बात करें तो बीते एपिसोड में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस नॉमिनेशन में देवुलना, रश्मि, सैफाली, कोयना और दलजीत नॉमिनेट हो चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में लड़कियों को अपना फोटो लगाकर एक दिन लड़कों को देना था। ऐसे में देवुलना भट्टाचार्य जी और आरती सिंह ने अपना दिल दिया था हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला को। वहीं सहनाज ने अपना दिल अबू मलिक को दिया तो बाकी लड़कियों ने अपना दिल पारस छाबड़ा को दिया। लेकिन बाद में ट्विस्ट आया कि लड़कों ने किसे किसका दिल एक्सेप्ट किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि लड़कों में से जिन सभी को जो दिल मिले थे उनमें से सिर्फ दिल को अपने पास रखना था और बाकी सारी लड़कियों को नॉमिनेट करना था। ऐसे में पारस ने सिर्फ माहिरा को ही बचाया। वहीं जब सिद्धार्थ शुक्ला की बारी आई तो सिद्धार्थ शुक्ला ने देवुलना और आरती में से सिर्फ आरती सिंह को चुना। इसका कारण दिया था उन्होंने कि वो आरती सिंह को घर आने से पहले ही जानते थे। वहीं बात करें इन दोनों के कनेक्शन की तो आपको बता दें कि आरती सिंह और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ खास अच्छे दोस्त रह चुके हैं, यहाँ तक कि ये दोनों मुंबई में जिम भी एक साथ जाते थे। इन दोनों के बीच दोस्ती के साथ ही प्यार भी बढ़ने लगा था और इनके रिश्ते के बारे में इंडस्ट्री के कुछ ही लोग जानते थे। हालांकि इस जोड़ी ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। वहीं आपने बीते एपिसोड में देखा था कि जब कंटेस्टेंट सैफाली बग्गा सिद्धार्थ और आरती को लव वर्ड्स कहकर पुकारती है तो आरती बुरी तरह भड़क जाती हैं। वहीं ट्विस्ट ये भी है कि जहां आरती और सिद्धार्थ का कनेक्शन रह चुका है तो वहीं घर में मौजूद हैं रश्मि देसाई। जी हां, रश्मि देसाई भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिल से दिल तक सीरियल में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ का किरदार निभाया था। इस शो के दौरान यूं तो इन दोनों के बीच झगड़े की कई खबरें आई थी, लेकिन बिग बॉस के पहले ही एपिसोड में अमीषा पटेल भी ये कह चुकी थी कहीं बिग बॉस में सिद्धार्थ और रश्मि के प्यार की हवा ना चलने लगे, जो कि शो को काफी इंटरेस्टिंग बना सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस के घर में इन दोनों को एक ही बेड शेयर करने के लिए दिया गया है और वहीं आज रात दिखाया जाएगा कि सैफाली बग्गा पूछेंगी आरती सिंह से कुछ ऐसे सवाल जिससे आरती सिंह की आंखों में आ जाएंगे आंसू। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि इन दोनों के रिलेशन को लेकर वो पूछेंगी क्या इन दोनों ने शादी की रिलेशन तक पहुंच गई थी इनकी बात, क्या हुआ था ऐसा कि इन दोनों का रिलेशन टूट गया था।
और वहीं सैफ अली आरती की जिंदगी के पुराने जख्मों को कुरेदती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर बात करें पारस की, तो पारस भी टास्क के दौरान सिद्धार्थ पर अपनी भड़ास निकालते आएंगे, तो दर्शकों ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लव की खबरें भी उड़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की आज रात को 10:30 बजे शो में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में लव ट्रायंगल देखने को मिलने वाला है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा और ये देखने के लिए आप आज रात 10:30 बजे बिग बॉस जरूर देखेगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।